केंद्र और झारखंड सरकार के बीच विवादित मुद्दों को सुलझाने के मकसद से नीति आयोग आज बैठक करेगी। वीके पॉल की अगुवाई में 6 सदस्यों की टीम अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत करेगी। दोपहर प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में नीति आयोग शिरकत करेगी। इस बैठक में केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से डीवीसी के बकाए, कोयला रॉयल्टी के बकाए और 15वें वित्त आयोग की राशि का भुगतान। इससे पहले नीति आयोग को राज्य सरकार ने पहले ही एक दर्जन से अधिक विवादित मुद्दों की सूची थमाई है। इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण है डीवीसी के बकाया कटौती से संबंधित विवाद। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते से एक तरफा पीछे हटने का फैसला लिया था, इसे केंद्र नहीं मान रही थी। बार बार विकास योजनाओं की राशि सीधे रिजर्व बैंक से काट लिए जाने पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा सीसीएल और बीसीसीएल समेत तमाम कोल कंपनियों पर राज्य सरकार ने 1.5 लाख करोड़ बकाया होने का दावा किया है। ये राशि अलग अलग परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण के बदले में राज्य सरकार को मिलनी है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा है जीएसटी का बकाया। जीएसटी कटौती के मद में राज्य सरकार को लगभग 1500 करोड़ रुपए मिलने हैं। ये राशि केंद्र से किस्तों में मिल रही है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए झारखंड से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है, किन विवादित मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं? सुबह मैं बता दूं आपको कि नीति आयोग की टीम रांची पहुंच चुकी है और आज 12 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में राज्य के तमाम अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में राज्य और केंद्र से जुड़े हुए कई विवादित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और उसका समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जीएसटी के बकाए की बात हो, डीवीसी के बकाए की बात हो, या फिर जो 15वें वित्त आयोग के जो राशि है 315 करोड़ रुपया, जिसे पोषाहार में खर्च करनी है, उन सारे चीज़ों को लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। इसके अलावा कई विकास योजनाएं जो केंद्र से जुड़ी हुई हैं उनकी राशि को लेकर के भी बात होगी। कोयले की रॉयल्टी जो है बकाया है, उन सारे चीज़ों को लेकर के बात होगी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो पिछले दिनों जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने जो राज्य सरकार का जो रिजर्व बैंक में राशि थी उसमें से पैसे काट लिए थे और उस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद अगर कहा जाए तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ HEC की लाइट काटी गई थी। इन सारे चीज़ों को लेकर के जो राज्य और केंद्र के बीच के रिश्तों में जो थोड़ी बहुत खटास आई थी, उन सारे खटास को दूर करने के लिए आज की यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जी सुबह, इसके अलावा जो 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है उनमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, क्या इसकी भी कोई जानकारी है? देखिए, वीके पॉल, जो डॉक्टर वीके पॉल है, उनके नेतृत्व में टीम आई है केंद्रीय नीति आयोग से। ये टीम आई है और यहाँ तमाम अधिकारियों के साथ में बैठ करके बातचीत करेगी और जो विवादित मुद्दे हैं उसका हल ढूंढने का प्रयास करेगी। जी सुबी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। केंद्र और राज्य के बीच जो विवादित मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और इस गठित टीम के साथ आज बैठक की जाएगी।